हेलो फ्रेंड्स, अगर जो आप इस चैनल पे आए गए हैं तो मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में बताया है क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 का 4 क्वेश्चन है, उसका हमने अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बिना टाइम को गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 2 से सोल्यूशन करते हैं। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.1 का ये दूसरा नंबर वीडियो है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बोल रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। मतलब इसमें बोल रहा है कि एपी के 4 पदों को लिखिए जिसमें हमारा ए बराबर दिया हुआ है और सर्वांतर डी बराबर दिया हुआ है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को किस ढंग से सोल्व करेंगे देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में एपी के 4 पदों को लिखना है जिसमें हम लोग को ए बराबर 10 और डी बराबर 10 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एपी का समान रूप क्या देखा था, एपी का व्यापक रूप क्या देखा था, एथोमेटिक प्रोग्रेशन के थ्योरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एपी का समान रूप। अगर जो उस थ्योरी को आप नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख लें। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने एपी का व्यापक रूप क्या क्या पढ़ा था, हमने एपी का समान रूप क्या पढ़ा था, चलिए यहां पे देखते हैं। हम लोगों ने एपी का समान रूप पढ़ा था ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, इसी प्रकार आगे बढ़ता जाता है और ए प्लस एन डी कहां तक जाता है, ए प्लस एन डी तक जाता है। ये क्या हो गया, एपी का समान रूप जिसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थ्योरी में पढ़े थे एपी का व्यापक रूप। ठीक है दोस्तों, तो इसी से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम लोगों को एपी के 4 पदों को लिखना है ना, तो 4 पदों को यानी कि जितना पद लिखना कहेगा उतना से हम लोग 1d कम लेंगे। 1d मतलब कम लेंगे, जैसे हम लोग को बोल रहा है 4 पदों को लिखना है तो हम लोग 3d तक जाएंगे। अगर जो बोलेगा 6 पदों को लिखना है तो हम लोग 5d तक जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसी को हम लोग क्या करेंगे कि इस एक स्टेप में यहाँ पे लिख लेंगे ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी। चलिए इतना हो गया, हम लोग को फोर्थ हम लोग को 4 पदों को निकालना है तो हम लोग कितना गिनेंगे, यहाँ पे कितना पद हो गया, 1 2 3 4 पद हो गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग मान को पुट कर देंगे। तो चलिए हम लोग मान को पुट कर देते हैं। ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर 10 है, फिर ए बराबर 10 प्लस डी बराबर कितना है 10 है, फिर ए बराबर कितना है 10 प्लस है तो प्लस देंगे 2। या अब यहां देखिए 2 यहां गुना में है ना, डी के साथ क्या है गुना में है, तो इंटू का चिन्ह देंगे और यहाँ पे डी 10 है तो 2 × 10 हो जाएगा। फिर कॉमा देंगे, फिर ए का मान कितना है 10 लिख देंगे प्लस 3, उसी प्रकार यहाँ इंटू का चिन्ह और क्या हो जाएगा 10। चलिए हमने इतना कर लिया है, इसके बाद हम लोग एक स्टेप को और बढ़ा, 10 हो जाएगा यहाँ 10। अब देखिए 10 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा 20। इसको और आगे सोल्यूशन करेंगे तो देखिए 2 × कितना है 10, यानी कि गुना होगा 2 में 10 से, तो 10 × 20 और 10 कितना हो गया 30, कितना हो गया 30। अब देखिए 10 दिया यहाँ 3 गुना में है 10 के साथ, तो 10 दिया 30 और 10 कितना हो गया 40, इतना आ गया। अब यही हमारा क्या हो जाएगा कि एपी के 4 पद हो जाएंगे, लिख देंगे अतः एपी बराबर 10, 20, 30 एंड 40, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला का सोल्यूशन कर लिया, इसी प्रकार जितने भी क्वेश्चन है इसी प्रकार से सोल्यूशन होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। इसमें हमारा ए बराबर -2 दिया हुआ है और डी बराबर क्या दिया हुआ है 0। तो एपी के 4 पद हमको निकालना है। एपी का समान रूप क्या होता है, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, इसी तरह आगे बढ़ते जाता है और कहां तक जाता है, ए प्लस एन डी तक जाता है। इसको हमने थ्योरी में बता दिया है, अब थ्योरी को नहीं देखे हैं, सारे एपी के फॉर्मूले को हमने बता दिया है। अगर जो नहीं देखे तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व यानी इसमें क्या बोल रहा है कि 4 पदों को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि डी में 1 पद घटा देंगे, यानी 4 पद कहेगा तो 3 पद तक लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग यहाँ 3 पद तक ले लेते हैं। एपी
इक्वल टू ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन हम आपके माइंड में ठोक देंगे। आप सिर्फ वीडियो के लास्ट तक बन रहिए। आपको अगर जो वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट सारा जितना भी होता है आप करके ही जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग मान को पुट कर देंगे। ए बराबर कितना दिया हुआ है, माइनस टू। अब यहाँ पे फिर ए आया है तो माइनस टू हो गया, प्लस है तो प्लस देंगे। अब डी बराबर कितना है, जीरो, तो जीरो दे देंगे। फिर ए कितना है, माइनस टू, प्लस टू इंटू डी का मान जीरो, कॉमा ए का मान कितना है, माइनस दो, प्लस थ्री डी का मान कितना है, जीरो। इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ाकर इसका सोल्यूशन कर लेंगे। तो माइनस टू हो गया कॉमा, अब देखिए माइनस टू प्लस जीरो तो कितना हो जाएगा, माइनस टू, क्योंकि जीरो जुड़ेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद क्या है कि जीरो में दो से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, जीरो, और जीरो में माइनस टू से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, माइनस दो हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ जीरो इंटू थ्री, जीरो इंटू थ्री है तो क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो में माइनस टू से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस टू। देखिए इतना हमारा आ गया। अब यही हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे अतः एपी के चार पद, अतः एपी के चार पद निम्न है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एपी बराबर इसको लिख देंगे और आंसर लिख देंगे, माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो का थ्री, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको नोट भी करना चाहते हैं तो नोट करते चलिए। चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो का थ्री, जिसमें हमारा दिया हुआ है ए बराबर फोर और डी बराबर दिया है माइनस थ्री। एपी के चार पदों को लिखना है, तो एपी के चार पदों को लिखने के लिए एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ए होता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इसी प्रकार आगे बढ़ता जाता है और कहां तक जाता है, ए प्लस एन डी। इसमें सारे क्वेश्चन एक तरह से ही बनेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी एक है, सिर्फ यहाँ पे ए का मान अलग है और डी का मान अलग है सारे क्वेश्चन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे ए का मान, हम लोग सोल्व करेंगे यहाँ पे, हम लोग मान को पुट कर देंगे। ए बराबर कितना दिया हुआ है, फोर, फिर ए बराबर कितना है, फोर, प्लस है तो प्लस देंगे। डी का मान कितना दिया हुआ है, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री यहाँ हो गया। अब देखिए फिर ए का मान कितना हो गया, फोर, प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ टू है तो टू देंगे। अब डी यहाँ इंटू में है तो डी का मान कितना है, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ कॉमा देंगे ए, हमको तीन पद ना लिखना है, चार पद लिखना है, तो हम लोग यहाँ से वन टू थ्री फोर, यानी कि जितना पद बोलेगा उतना से डी में एक कम रहेगा, वहीं तक हम लोग लिखेंगे, यानी कि फोर पद बोल रहा है तो थ्री डी तक लेंगे। तो चलिए एक चलिए इसके आगे और है, ए ए का मान कितना हो गया, फोर, प्लस थ्री है तो थ्री देंगे, इंटू डी का मान कितना है, माइनस थ्री। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप सोल्व कर लेंगे। फोर है तो फोर हो गया, अब देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो फोर हो गया माइनस थ्री। इसके बाद आगे सोल्व करेंगे, फोर है तो फोर हो गया, अब देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और ये क्या है, दो, तीन, माइनस तीन के साथ गुना में है तो कितना हो गया, प्लस माइनस तो माइनस हो गया, और तीन गुना कितना हो गया, छह। इसके बाद आगे हल करेंगे, अब देखिए यहाँ फोर है तो फोर देंगे, अब देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो गया, और तीन थे कितना हो गया, नौ, इतना हो गया। अब इसको और आगे हल करते हैं, फोर फोर है तो फोर हो गया, अब देखिए चार में से तीन गया तो कितना बचा, वन। अब यहाँ देखिए यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो चार में से माइनस छह जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस टू। यहाँ पे अब कितना है, माइनस नाइन है और फोर है, यानी कि माइनस नाइन में फोर जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस फाइव। यही हो जाएगा क्या हमारा एपी के फोर पर, एपी के फोर पर क्या हो गया यहाँ पे, फोर वन माइनस टू माइनस फाइव, यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो का फोर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो का फोर, इसमें हम लोगों को ए बराबर माइनस वन और डी बराबर वन बाई टू दिया हुआ है। एपी के चार पदों को निकालना है, तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इसी प्रकार आगे बढ़ता जाता है और कहां तक जाता है, ए प्लस एन डी तक जाता है। तो एपी के चार पदों को हम लोग को लेना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एपी के चार पद, वन टू थ्री फोर फोर, इसको एक बार और लिख लेंगे, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी,
देखिए चार पद हो गए, 1 2 3 4 फोर पद हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मान को रख देंगे, जो हमारा मान दिया हुआ है। ए का मान कितना है -1, ए का मान फिर कितना है -1, प्लस है तो प्लस देंगे। अब बी, बी का मान कितना है 1/2, 1/2 लिख दिए। फिर है अब ए आया, तो ए का मान कितना हो गया -1, प्लस है तो प्लस देंगे 2 × डी का मान कितना हो गया 1/2, फिर कितना है ए, ए है तो ए का मान कितना है -1, प्लस है तो प्लस देंगे अब 3 × डी का मान कितना है 1/2, तो 1/2 हो गया। चलिए अब इसको आगे सोल्यूशन करेंगे, आगे सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 तो यही रह जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो बटा में 1 है, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 2, और 2 में -1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा -2, प्लस है तो प्लस देंगे, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, 1 में 1 से गुना होगा तो 1। इसी प्रकार आगे सोल्यूशन करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कट रहे हैं तो प्लस हो गया यहाँ 1, कुछ नहीं बचा तो 1। अब आ गया यहाँ कितना आ गया -1, प्लस है तो प्लस देंगे अब 3/2, 3/2। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ यहीं पे कर लेते हैं, इसको हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, 3 × 3 × 1 यानी कि 3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2। अब इसको हम लोग यहाँ भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, 2 और 1 कैसे हो जाएगा 2, 1 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 में 1 से -1 से गुना होगा तो -2, प्लस यहाँ 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ देंगे -1, अब देखिए यहाँ कितना हो गया -2 और +1, तो कितना हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो -1/2। अब देखिए यहाँ -1 और +1, तो एक में से एक गया तो कितना बचा 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ -2 और +3 यानी कि 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1/2, यही हो जाएगा हमारा एपी के 4 पर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5 में। इतना समझ में आ गया, समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का 5, सिर्फ हम लोग को यहाँ ए बराबर मान चेंज है और डी बराबर मान चेंज है, हम लोग को काम वही करना है, तो चलिए हम डायरेक्ट काम को कर लेते हैं, आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे मान को पुट कर देते हैं, ए बराबर कितना दिया हुआ है -1.25, फिर यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा -1.25, प्लस है तो प्लस देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, और डी का मान कितना है -0.25, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके आगे क्या है ए, ए का मान कितना है -1.25 हो गया, अब प्लस है तो प्लस देंगे × 2। अब डी का मान कितना है -0.25 कॉमा, अब यहाँ पे एक और कौन बचा ए, ए कितना दिया हुआ है -1.25 प्लस है तो प्लस देंगे 3 × कितना है डी का मान -0.25। इतना हो गया, इसके बाद आगे सोल्व करेंगे, तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए ये इतना ही रहेगा, ये तो कोई चेंज नहीं होगा -1.25। अब इसको देखिए प्लस माइनस क्या हो रहा है माइनस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस तो ही रहेगा ही क्योंकि जुड़ रहा है, क्योंकि हम कर्जा को लिए हुए हैं और कर्जा दे रहे हैं, तो माइनस में ही ना होगा। देखिए अब इसको जोड़ेंगे 1.25, और यहाँ पे कितना है 0.25, यानी कि 1 रुपया 25 पैसा में 0.25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 × 50 हो जाएगा, तो कितना हो गया 1.50, कितना हो गया। अब इसको आगे और देखेंगे 1.25, अब यहाँ देखिए आगे प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 2 है यहाँ गुना में, तो क्या हो जाएगा कि 0.25 में 2 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.15, कितना हो जाएगा 50, माइनस हो जाएगा 1.25 -0.50, कितना हो गया। चलिए इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ देखिए कितना है -1.25, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, अब 3 में 0.25 से गुना हो जाएगा तो कितना बचा, कितना होगा 0.75, ठीक है फ्रेंड्स। इतना समझ में आ रहा है, चलिए एक एक स्टेप और यहाँ पे बढ़ाएंगे। चलिए देखिए -1.25 यहाँ पे यही रह जाएगा कॉमा, अब देखिए ये भी तो सॉल्यूशन करके आ गया -1.50, अब देखिए इसमें क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस यहाँ हो जाएगा, अब इसको क्या होगा जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1.75,
समझ में आ रहा है? देखिए पांच और जीरो तो पांच हो गया, पांच और दो सात, पॉइंट है तो पॉइंट दिए और जीरो में वन जोड़ेंगे तो वन कॉमा। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस, माइनस में चीन रहेगा, अब इसको जोड़ेंगे तो पांच पांच कितना हो गया दस, के जीरो हाथ में बचा एक और सात दो नौ और एक हासिल तो दस हो गया, हाथ में बच गया एक। अब वन में जीरो से जोड़ेंगे तो वन हो जाएगा और एक हासिल दो, कितना हो गया दो। अब कितने अंकों के बाद पॉइंट है वन टू, तो दो यहाँ हो गया। यही हो जाएगा क्या हमारा एपी के चार पद, क्या हो जाएंगे एपी के चार पद यही हो जाएंगे, हम लोग आंसर लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में। इतना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? बस फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। मतलब हमारा एपी का एक सीरीज दिया हुआ है, उसमें हम लोगों को प्रथम पद यानी कि ए और सार्व अंतर डी निकालना है। तो चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे, सीधा बोर्ड पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एपी का एक सीरीज दिया हुआ है, तो एपी के सीरीज में प्रथम पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद को ए कहते हैं। ये क्या होगा फर्स्ट फर्स्ट टर्म, इसी को हम लोग क्या कहते हैं ए। और सार्व अंतर डी को हम लोग किस ढंग से निकालते हैं, डी दूसरे पद में पहले पद से घटा देते हैं, यानी कि ये हुआ हमारा ए वन तो ये क्या होगा ए टू, और ये क्या होगा ए थ्री, ये क्या होगा ए फोर। समझ रहे हैं? इसी को दूसरे रूप में बोलते हैं टी वन टी टू टी थ्री टी फोर, इसी ढंग से आगे चलता जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ए बराबर हमारा तो निकल कर आ रहा है, फर्स्ट टर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा कितना है थ्री। और डी डी यानी कि सार्व अंतर डी बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, एक बार मैं और बोलना चाहूंगा कि आप लोग अगर जो मेरे थ्योरी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थ्योरी को नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे नीचे में दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसमें हमारा लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां पे पढ़ लें, सारे फॉर्मूलों को जान लें, तब इस वीडियो को देखें, आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जो आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए टी बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, टी टू माइनस टी वन या तो ए टू, ए टू माइनस ए वन। यहाँ पे टी टू क्या है एपी के दूसरा पद है और टी वन क्या है एपी के प्रथम पद है, और इसी ढंग से यहाँ पे है ए टू और ए वन, यानी कि एपी के दूसरा पद और ए वन क्या है एपी के पहला पद। तो सर्वांतर हम लोग किस ढंग से निकालते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटा देते हैं, जिससे हमारा क्या निकल जाता है सर्वांतर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हम लोग को पांच सेकेंड के अंदर, पांच सेकेंड के अंदर हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या जाना कि एपी के सीरीज दिया हुआ रहता है, उसका फर्स्ट टर्म को ही हम लोग क्या करते हैं प्रथम पद यानी कि ए कहते हैं। तो हम लोग को यहाँ से साफ पता चल रहा है कि इसका ए बराबर हम लोग को क्या निकल कर आएगा प्रथम पद, ए बराबर क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं प्रथम पद, ए बराबर हमारा निकल कर आ गया थ्री। और डी सार्व अंतर डी बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं टी टू माइनस टी वन या तो ए टू माइनस ए वन, क्या पढ़े ए वन। देखिए टी टू यहाँ कितना है वन या ए टू कितना है वन और टी वन कितना है थ्री या ए वन कितना है थ्री, दोनों बात सेम है। तो इसको निकाल डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला को लगा देते हैं। अब देखिए टी टू हम लोग किसको लेंगे, इसको लेंगे वन में से तीन को घटा देंगे निकल गया माइनस दो आ गया, प्लस माइनस माइनस और वन में से माइनस थ्री गया तो माइनस दो बच गया। तो हम लोग देखिए डायरेक्ट ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट कैसे बताएंगे, देखिए फर्स्ट टर्म में जो रहेगा उसको हम लोग क्या देंगे ए और डी हम लोग को निकालने के लिए रहेगा तो वन में से तीन को घटा देंगे तो वन में से तीन जाएगा कितना बचेगा दो, कितना आसान है दोस्तों। यहाँ ए बराबर कितना निकल कर आ गया थ्री और डी बराबर कितना निकल कर आ गया माइनस दो, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का दो, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री का दो सोल्व करते हैं। क्या निकालना है हमको प्रथम पद यानी कि ए निकालना है, प्रथम पद ए बराबर क्या होता है एपी के फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं ए, यानी कि ए बराबर कितना हो गया माइनस फाइव। और डी सार्व अंतर डी निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े टी टू माइनस टी वन, यानी कि एपी में एपी सीरीज का दूसरा पद में से पहले पद को घटा देंगे तो दूसरा पद कौन हो गया माइनस वन और माइनस है तो माइनस देंगे। अब एपी का पहला पद क्या है माइनस फाइव तो माइनस फाइव यहां लिख देंगे। अब देखिए माइनस वन हो गया, अब प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस फाइव,
अब यहाँ कितना निकल कर आ गया डी बराबर, देखिए घटेगा तो कितना हो जाएगा फोर। इसी प्रकार से अब आगे भी सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ए बराबर हमारा कितना निकल कर आ गया माइनस फाइव और डी बराबर कितना आ गया फोर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का थ्री। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री का थ्री, इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निकालना। तो एपी सीरीज के पहले पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद। तो यानी कि ए बराबर क्या निकल कर आ गया हम, ए बराबर वन बटा थ्री और डी बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े सर्वांतर टी टू माइनस टी वन, यानी कि टी टू कितना हो गया पांच बटा तीन, पांच बटा तीन माइनस वन बटा थ्री, ये टी वन हो गया प्रथम पद वन बटा थ्री, थ्री थ्री को इस, अब यहाँ भिन्न का घटाव बन गया, तो तीन और तीन का एलसीएम हो जाएगा तीन, तीन में तीन से भाग देंगे वन, वन में फाइव से गुना होगा फाइव माइनस, फिर वो यहाँ वन हो जाएगा। अब क्या हो गया कि पांच में से वन गया तो चार बटा तीन, यानी कि हमारा ए बराबर कितना निकल कर आया वन बटा थ्री और डी बराबर कितना निकल कर आया फोर बटा थ्री, यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का फोर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री का फोर लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इसमें हमारा क्या निकालना है प्रथम पद ए, तो प्रथम पद ए बराबर कितना है इसमें जीरो पॉइंट छ और डी, डी बराबर क्या फॉर्मूला टी टू माइनस टी वन, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है, तो दूसरा पद कितना है वन पॉइंट सेवन और पहला पद कितना है जीरो पॉइंट सिक्स। अब देखिए घटाएंगे, तो घटाएंगे देखिए यहाँ कितना हो गया सेवन, सेवन में से सिक्स गया कितना बचा वन, पॉइंट है तो पॉइंट दे दिए, अब जीरो वन, वन में से जीरो गया तो कितना बच गया वन, यानी कि हमारा ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर जीरो पॉइंट छ आ गया और डी बराबर क्या आ गया वन पॉइंट वन, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यानी कि कौन एपी है उसको जांच करना। फिर बोल रहा है यदि कोई एपी है तो इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए, अगर एपी में है तो उसका सर्व अंतर ज्ञात करना यानी डी ज्ञात करना। और बोल रहा है इनके तीन पद लिखिए, यानी कि अगर जो एपी में है भी है तो इसके आगे तीन पद क्या होंगे उसको लिखना है। तो थोड़ा धैर्य रखकर वीडियो को आराम से देखिए, आपको पूरी तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स इसको सोल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले प्रथम पद ए निकालेंगे, उसके बाद हम लोग सर्व अंतर डी निकालेंगे। इससे क्या होगा कि हमको क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में और जांचने में कि ये एपी में है या नहीं बहुत आसान होगा। चलिए हम नए मेथड से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रथम पद निकालेंगे, तो प्रथम पद ए बराबर कितना हमारा आ गया दो। अब हम लोग क्या करेंगे कि डी निकालेंगे, डी यानी कि टी टू माइनस टी वन। अब देखिए इसमें टी टू कितना हो गया फोर, देखिए इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं टी टू माइनस टी वन, टी टू कितना हो जाएगा फोर माइनस टू, इतना हो गया, इसके बाद घटा देंगे, यानी कि हमारा डी बराबर कितना निकल कर आया, कितना निकल कर आ गया दो। अब हम लोग क्या करेंगे एपी का, एपी का मानक रूप क्या पढ़े एपी, अब हम लोग क्या करेंगे एपी का समान रूप हम लोग क्या पढ़े, एपी का समान रूप ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस तरह से आगे जाते रहता है ए प्लस एन डी तक जाता है, इसको हम लोग पढ़े, उस फॉर्मूले को हम लोग लिख लेंगे। क्या करेंगे एपी का समान रूप को लिख लेंगे, लिखेंगे एपी का, एपी का व्यापक रूप से, ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे एपी का व्यापक रूप से, एपी का व्यापक रूप हम लोग क्या पढ़ें ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी डॉट डॉट कहां तक ए प्लस एन डी तक। अब देखिए इसमें कितने पद हैं वन टू थ्री फोर, तो हम लोग चार पद को ले लेंगे, एक दो तीन चार, चार पदों को ले लेंगे। चार पद को लेने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग मान को रख देंगे, यहाँ देखिए ए बराबर हमारा कितना निकल आया है दो और डी बराबर कितना आया है दो, ए बराबर दो हो गया, फिर ए बराबर दो प्लस है तो प्लस, डी बराबर कितना आया दो, ए बराबर दो प्लस दो, फिर डी का मान कितना इंटू दो, फिर कॉमा ए का मान कितना है दो प्लस थ्री इंटू दो, इतना हो गया। इसको सोल्व कीजिए टू दो दो हो गया चार और दो दो ना चार और दो हो गया छ और तीन दो ना छ और दो आठ। अब देखिए अब इतना के बाद क्या करना है कि देखिए हमारा एपी कितना निकल कर आया है, ए बराबर हम लोग कितना लिखे थे दो और डी बराबर दो,
अब हमारा एपी कितना निकल रहा है, दो, और इसमें क्या है, इसको अब इसको मिलाएंगे, देखिए ये कितना है 2 4 8 16 और ये कितना है 2 4 6 8, यानी कि हमारा क्या निकल रहा है, 2 4 तो ठीक है लेकिन 8 यहाँ पे कितना है 6 और 16 यहाँ पे कितना है 8, यानी कि ये और ये नहीं मिल रहा, तो हम लोग कह देंगे कि ये एपी में नहीं है। अगर जो ये और ये मिल जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि एपी में है। ये हमारा जांच करने का एक अलग विधि है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान विधि है। क्या आपको ये समझ में आया क्वेश्चन? चलिए अगर जो नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 का 2 लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 2। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि प्रथम पद को निकाल लेते हैं, प्रथम पद ए को निकाल लेते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा 2, और इस और इसके साथ सर्व अंतर को भी निकाल लेते हैं, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है T2 यानी कि T2 कितना हो जाएगा 5/2 माइनस T1 कितना हो जाएगा 2, इसका भिन्न का घटाव कर देंगे तो 2 हो जाएगा LCM 5 - 4 यानी कि 1/2 आ गया, कितना आ गया D बराबर कितना आ गया 1/2, सार्व अंतर हमको निकालने के लिए बोल रहा था अगर जो ये एपी है तो। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसके बाद हमारे कंडीशन क्या होता है एपी में होने के लिए, एपी का हमने व्यापक रूप क्या पढ़ा था, एपी बराबर क्या पढ़ा था कि a a+d a+2d a+3d इस तरह से होते जाता है, कहां तक जाता है a+nd तक, कहां तक a+nd तक। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कितने पद है, 1 2 3 4 4 पद को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, जितना मतलब 4 पद है इसमें तो 4 पद हम लोग उतार लेंगे, a+d a+2d a+3d इतना हो गया। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे कि अब जो मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं a बराबर और d बराबर, उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो पुट कीजिए a बराबर 2 है, फिर 2 + d का कितना निकाले हैं 1/2 2 + 2 × हो जाएगा 1/2 a 2 है + 3 × d का कितना है 1/2, यहाँ 3 कहां से आया है 3 यहां से, अब इसको सोल्यूशन कर देंगे 2 हो गया, अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2 LCM हो जाएगा, 2 LCM हो गया। अब देखिए 2 में 1 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 5/2 हो गया। अब यहां देखिए 2 से 2 क्या हो गया कट गया, क्या हो गया 2 और 1 कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। अब यहां क्या हो गया देखिए 2 + 3/2 ऐसा हो जाएगा, अब 2 यहां पे LCM लेंगे तो 2 और 1 का LCM 2 हो गया, और 2 में 1 से 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा 2 × 4 + 3 यानी कि 7/2 कितना आ गया यहां 7/2। अब देखिए कि एपी का जो हमने मानक रूप, अब देखिए एपी का जो हमने यहां पे समान रूप लिया था, अब इसके और इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, देखिए ये इसके बराबर आ रहा है तो ये और ये बराबर हो जाएगा, तो हम लोग कह देंगे कि ये एपी में है, अगर जो बराबर नहीं होगा तो हम लोग कह देंगे एपी में नहीं है। अब हम लोग को बोल रहा है कि अगर जो ये एपी में है तो इसके कितने पद, 3 पद लिखने के लिए बोल रहा है, कितना जी हाँ बोल रहा है एपी के 3 पदों के लिखे, तो हम लोग कहेंगे कि ये एपी में है तो इसका 3 पदों को और लिखना है, यानी कि यहां तक तो हो गया, इसके बाद 3 पद और लिखेंगे, तो हम लोग a+3d अब लेंगे यहां पे। अब क्या करेंगे कि इसको अब हम लोग मान लेंगे a, अब हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग मान लेंगे a, इसको मान लेंगे a बराबर कितना मान लेंगे 7/2। अब हमारा सर्व अंतर कितना है d बराबर 1/2 यानी कि d बराबर कितना है 1/2। अब हम लोग प्रथम 3 पद लिख देंगे, कितना लिख देंगे 3 पद, तो हम लोग क्या करेंगे कि एपी का समान रूप हम लोग क्या पढ़े a a+d a+2d a+3d। देखिए ये तो यहां तक है, इतना के बाद ना हमको 3 पद लिखना है, तो ये इसको छोड़ कर गिनिए 1 2 3 3 पद हो गए। अब देखिए अब हम लोग सीधा मान को रख देंगे, a बराबर कितना मान है 7/2 हो गया प्लस, अब d का मान कितना है 1/2 a प्लस 2 × 1 a का मान यहां रख दीजिए 7/2 + 2 d का मान कितना हो गया 1/2 a 7/2
प्लस 3 इंटू 1 बट्टा कितना हो गया 2। अब इसको सोल्यूशन कर दीजिए तो हो गया 7/2। ठीक है, अब 2 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 7 और 1 8, 8 8/2 यानी कि 4 2 8 कट जाएगा, यहां हो जाएगा 4। इसके आगे आप देखिए 2 से 2 कट गया, ठीक है चलिए रहने दीजिए इसको, 2 से 2 नहीं काटिए, 2 हो गया। अब देखिए इसको इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 हो गया। अब 7 + 2, 7 × 2 9 हो गया, तो 9/2 कितना हो गया 2। अब इसको और आगे सोल्यूशन करेंगे तो ये हो गया 7/2 और हो गया प्लस 3/2। अब देखिए 2 2 एलसीएम हो जाएगा और 7 3 10, 10/2 यानी कि 5 आ गया। तो यही हो जाएगा हमारा एपी का 3 पद, यहां से हो जाएगा एपी का 3 पद और ये हो गया था हमारा इसका 4th पद। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, नहीं तो आप इसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, एपी का लिख देंगे एपी के 3 पद, एपी के 3 पद हो गए 4, 9/2 और हो गए 5, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 3 में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रथम पद को निकालते हैं, a बराबर कितना हो जाएगा -1.2, उसके बाद d निकालते हैं, d बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला t2 - t1, t2 कितना है -3.2 माइनस, और देखिए यहाँ पे भी है t1 -1.2 यानी कि यहाँ हो जाएगा +1.2। चलिए इतना हो गया, इतना होने के बाद अब देखिए प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस 3.2 में से 1.2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2, -2 बचेगा। अब इसके बाद हम लोगों को जांच करना है कि ये एपी में है या नहीं, तो एपी में है या नहीं कैसे जांच करेंगे, तो एपी का रूप को आगे लिखकर, एपी का रूप हम लोग क्या पढ़े ए ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। अब हम लोग इसमें मान को रख देंगे ए और डी को, ये मान को रखने पर इतना के बराबर आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि ये एपी में है, नहीं आएगा तो हम लोग कह देंगे ये एपी में नहीं है। चलिए हम लोग मान को रखते हैं, मान ए का मान कितना है -1.2, फिर -1.2 प्लस डी का मान कितना है, देखिए प्लस माइनस माइनस होगा -2, उसी प्रकार ए का मान कितना है -1.2। अब क्या करेंगे प्लस प्लस माइनस क्या हो गया -2 इंटू डी का मान कितना है 2, यहाँ प्लस हो गया -2 कॉमा ए का मान कितना हो गया -1.2 प्लस 3 × -2। चलिए इसको और आगे सोल्यूशन करते हैं -1.2, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस यानी कि जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3.2, फिर यहाँ क्या हो गया प्लस माइनस माइनस तो 2 × 2 = 4 -1.2 और माइनस हो गया 4, इसको और आगे सॉल्यूशन कर लेंगे 1.2 प्लस माइनस 3 × 2 = 6। चलिए इसको सॉल्यूशन कीजिए 1.2 कॉमा 3.2, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस, 4 और कितना हो गया -5, यहाँ माइनस में हो जाएगा -5.2। अब इसको जुड़ेगा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 यानी कि -7.2। अब देखिए क्या इतना इतना के बराबर है, इतना इतना के बराबर है तो मिला लीजिए, जी हाँ इतना इतना के बराबर है तो हम लोग कह देंगे ये एपी में है, एपी में है। और इसका सर्वांतर डी बराबर कितना आया है -2। अब इसके और आगे 3 पद लिखने हैं तो 3 पद और लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रथम पद, और डी सर्वांतर -2 आगे हैं तो इसी प्रकार से आगे हम लोग लिख लेंगे। जैसे देखिए लिख लेते हैं हम लोग, इसको मान लीजिए a, यहाँ के लिए a मान लीजिए a बराबर -7.2। अब हम लोग देखिए इस पे हम लोग रख देते हैं a का मान कितना है 7.2, हम लोग को कितना 3 पद लिखना है तो यहीं तक 2d तक जाना, ये प्लस 2d तक जाना, a का मान कितना हो गया -7.2, फिर हो गया a प्लस डी, तो ए का मान कितना हो गया यहाँ पे, ए का मान यहाँ कितना हो गया सॉरी। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ 3d देखा है, हमको 3 पद और लिखना, तो हम लोग ए प्लस देखिए ऐसे कर लेंगे ए प्लस 4d ए प्लस 5d ए प्लस 6d, क्या ये 3 पद हो गए, 1 2 3 पद हो गए, 3 पद और लिखना है, तो ए का मान हम लोग को कितना आया है 1.1 -1.2 प्लस 4 × d का मान कितना है -2 हो गया कॉमा a का मान कितना है -1.2 प्लस 5 × -2 a का मान हो गया -1.2 प्लस 6 × -2। इसको सॉल्यूशन कर देंगे
आ जाएगा, माइनस 1.2 प्लस हो जाएगा, हाँ प्लस माइनस माइनस 8 हो गया, और कॉमा माइनस 1.2 प्लस माइनस माइनस, और 8 बाय दूना 10, कॉमा माइनस 1.2 प्लस माइनस 6 दूना 12। अब इसको जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 8 फिर 9.2 हो गया, कॉमा अब माइनस माइनस प्लस तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गए 10 और 1 11, 11.2 हो गया, अब यहाँ माइनस हो जाएगा, और 12 और 1 कितना हो गया 13, 13.2, यही हो जाएगा हमारा एपी के 3 पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रथम पद को निकालते हैं, ए ए बराबर कितना आ गया -10, उसके बाद हम लोग डी निकाल लेते हैं, डी बराबर कितना हो जाएगा -6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10, यानी कि डी बराबर कितना आ गया 4। अब हम लोग क्या करते हैं कि जांच करने के लिए एपी का रूप लिखते हैं, ए ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब हम लोग इस पे मान रख देते हैं, मान रखने के बाद अगर जो मान इतना के बराबर आ जाता है मान रखने के बाद, तो हम लोग कह देंगे ये एपी में है, तो चलिए हम लोग मान रख देते हैं, माइनस 10 हो गया, एक का माइनस 10, अब प्लस 4, अब देखिए एक का माइनस 10 प्लस 2 इंटू 4, एक का हो गया माइनस 10 प्लस 3 इंटू 4, अब इसको और आगे हल कर देंगे तो माइनस 10 कॉमा, अब देखिए 10 में से 4 गया 6, फिर 4 दूना 8, 8 में से 10 गया तो कितना बचेगा माइनस 2, यहाँ माइनस से हो जाएगा माइनस 2 हो गया, अब देखिए 4 की 12, 12 में से 10 गया तो कितना बचा 2। अब देखिए क्या इतना इतना के बराबर है, जी हाँ बिल्कुल है, तो इसे हम लोग कह देंगे ये एपी में है, और इसका सार्वांतर डी बराबर कितना है 4 है। इसके आगे 3 पद और लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, और लिखेंगे तो 3 पद और लिखेंगे तो यहां देखिए 4 जुड़ता जाएगा, 2 है यहाँ तो 2 है, 2 में कितना जुड़ेगा 4, तो हो जाएगा 6, फिर 6 में कितना जुड़ेगा 4, तो 6 4 10, फिर 10 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 14, यानी कि एपी के 3 पद और ये हो जाएंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5 में। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5 में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रथम पद को निकालते हैं, ए बराबर हो गया हमारा 3 और डी बराबर निकल कर आएगा कितना, देखिए डी बराबर टी टू माइनस टी वन, यानी कि दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे तो 3 प्लस रूट 2 माइनस हो जाएगा 3, अब 3 से 3 कट गया तो डी बराबर कितना आ गया रूट 2, यानी कि सार्वांतर हमारा निकल कर आ गया रूट 2। अब हम लोग क्या करेंगे एपी का समान रूप जांच करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं एपी के समान रूप को लिखकर और उसमें मान को पुट कर अगर जो उतना के बराबर इतना के बराबर ये आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे एपी में है, तो चलिए फटाफट हम लोग मान को पुट कर लेते हैं, ए बराबर 3 हो गया और ए बराबर कितना है 3 प्लस बी का मान हो गया रूट 2 कॉमा, ए का मान कितना हो गया 3 प्लस 2 इंटू रूट 2 कॉमा 3 प्लस 3 इंटू हो जाएगा रूट 2। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो 3 हो गया, अब 3 प्लस रूट 2, इसके बाद हो गया 3 प्लस 2 रूट 2, उसके बाद हो गया 3 प्लस 3 रूट 2, ये कैसे हुआ गुना कर आगे, आप देखिए क्या इतना इतना के बराबर है, जी हाँ बिल्कुल है, इसे हम लोग कह देंगे कि ये एपी में है, एपी में है, जिसका सार्वांतर डी बराबर कितना है रूट 2 है। अब इसको हमको इसके आगे 3 पद और लिखने हैं, तो कितने का कॉमन डिफरेंस कितना है डी है, तो और आगे हम लोग लिखेंगे तो कितना जुड़ता जाएगा, कितना जुड़ता जाएगा रूट 2 जुड़ता जाएगा, इसके आगे रूट 2 जुड़ता जाएगा, तो चलिए इसको और आगे हल कर लेते हैं हमको, क्योंकि एपी का 3 पद और आगे निकालना है, तो एपी का 3 पद और निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ए प्लस 4d, ए प्लस 5d और ए प्लस 6d को ले लेंगे, और इसको मान को रखते चले जाएंगे, ए का मान कितना है 3 प्लस 4 इंटू रूट 2, फिर है 3 प्लस 5 इंटू रूट 2 और फिर है 3 प्लस 6 इंटू रूट 2। इसको सोल्यूशन करेंगे तो प्रथम 3 पद निकल के आ जाएगा, 4 रूट 2 हो जाएगा और 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा और 3 प्लस 6 रूट 2 हो जाएंगे, यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 6 में। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एपी को जांच करने के लिए हम लोग सबसे पहले प्रथम पद ए को निकालते हैं, ए बराबर कितना हो गया 0.2 और डी भी निकाल लेते हैं साथ में, डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0.22, सॉरी यहाँ पे और पड़ गया 0.22 में से 0.2 चल जाएगा, तो देखिए घटाइए हम लोग यहाँ पे कितना 0.2 घटाना है तो यहाँ पे घटाइए 0.22। अब हमको क्या करना है 0.2
यहाँ कुछ नहीं, तो पॉइंट की तरफ कुछ नहीं रहता, तो जीरो रहता है, जीरो छुपा हुआ रहता है। देखिए घटा ले, दो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, दो में से दो गया कितना बचा, जीरो पॉइंट जीरो, यानी कि इसका डी बराबर सर्वांतर कितना हो गया, जीरो पॉइंट जीरो दो। अब हम लोग इसका मान, अब हम लोग यहाँ पे मान को रख देंगे, अगर जो मान हमारा निकल कर इतना के बराबर आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे ये एपी में है अन्यथा नहीं है। चलिए हम लोग मान को पुट कर देते हैं, ए बराबर कितना है, जीरो पॉइंट दो, जीरो पॉइंट दो प्लस डी कितना है, जीरो पॉइंट जीरो दो, फिर कितना है, जीरो पॉइंट दो प्लस टू इंटू जीरो पॉइंट जीरो दो, ए का मान कितना है, जीरो पॉइंट दो प्लस थ्री इंटू जीरो पॉइंट जीरो दो। अब इसको आगे सोल्यूशन कीजिए, तो जीरो पॉइंट दो हो गया कॉमा, अब देखिए जोड़िए इसको, तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए ये इस ढंग का जोड़ेगा, जीरो पॉइंट दो जीरो जीरो पॉइंट जीरो दो, इसको जोड़िएगा तो दो हो जाएगा दो पॉइंट जीरो, यानी कि कितना आया, जीरो पॉइंट टू टू आया, कितना आया निकल कर, जीरो पॉइंट टू टू निकल कर आया। इसके इसको और आगे जोड़ेंगे, अब देखिए जीरो पॉइंट टू प्लस, अब दो से इसमें गुना हो जाएगा तो दो दूना चार, जीरो जीरो पॉइंट जीरो, क्योंकि जीरो में दो से गुना होगा तो जीरो हो जाएगा। अब इसको देखिए जीरो पॉइंट टू है प्लस, अब थ्री में जीरो पॉइंट जीरो टू से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, जीरो पॉइंट जीरो सिक्स हो जाएगा। चलिए इसके बाद एक स्टेप और कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जीरो पॉइंट दो जीरो पॉइंट दो दो, और देखिए अब जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो पॉइंट टू फोर हो जाएगा। इसके बाद होगा जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, जीरो पॉइंट टू सिक्स हो जाएगा। अब देखिए क्या ये इसके बराबर है, नहीं है, तो हम लोग कह देंगे ये एपी में नहीं है, क्या है, एपी में नहीं है, ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर का सेवन। चलिए फ्रेंड्स अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर का सेवन, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका प्रथम पद निकालते हैं, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, और इस इसमें सार्वगंतल निकाल देते हैं डी, डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, यानी कि टी टू कितना हो गया माइनस फोर माइनस जीरो, तो कितना हो गया माइनस फोर आ गया हमारा सार्वगंतल, कितना आ गया माइनस फोर। अब इसका मान हम लोग इसमें पुट कर देंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि ये एपी में है या नहीं। तो चलिए मान को पुट करते हैं, ए बराबर जीरो है, फिर यहाँ पे ए बराबर जीरो हो गया प्लस, बी का मान कितना है माइनस फोर, तो यहाँ माइनस फोर हो जाएगा, फिर ए बराबर जीरो है और प्लस है तो प्लस देंगे टू इंटू, अब यहाँ बी का मान है माइनस फोर तो माइनस फोर दे दिए, अब यहाँ कम ए का मान हो गया जीरो प्लस थ्री इंटू माइनस फोर, अब इसको और आगे हल करेंगे तो जीरो हो जाएगा माइनस फोर हो जाएगा, और देखिए अब प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस एट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस चरती बारह हो गया। अब देखिए कि ये जो आया हमारा एपी का समान रूप निकल कर, क्या इसके बराबर है, जी हाँ इसके बराबर है, तो हम लोग कह देंगे कि ये एपी में है, एपी में है, और इसका बोला था सार्वगंतर निकालने के लिए, तो हम लोग ने सार्वगंतर पहले ही निकाल लिया है माइनस फोर, यानी कि डी बराबर क्या हो गया है माइनस फोर। अब हम लोग तो प्रथम तीन पद और निकाल लें, तो देखिए इसमें हमको सार्वगंतर कितना है माइनस फोर, और ये देखिए मतलब इसके आगे तीन पद और निकालने हैं, तो क्या करेंगे माइनस फोर जोड़ते चले जाएंगे, तो प्रथम तीन पद और क्या हो जाएंगे, तीन पद एपी के तीन पद और क्या हो जाएंगे, लिखेंगे एपी के तीन पद, एपी के तीन पद और क्या हो जाएंगे माइनस बारह में माइनस चार जोड़ेंगे तो माइनस सोलह हो जाएगा, माइनस बीस हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा चौबीस, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर का एट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर का एट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ए निकालते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ माइनस वन बटा टू, इसके बाद हम लोग सर्वांतर निकालते हैं टी टू माइनस टी वन, तो टी टू कितना हो गया माइनस वन बटा दो, और माइनस अब देखिए टी वन कितना है माइनस वन बटा दो, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन बटा दो। अब यहाँ देखिए डी का मान कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे दो हो जाएगा माइनस वन प्लस वन, यानी कि जीरो आ जाएगा, डी का मान कितना आ गया हमारा जीरो। अब हम लोग इसमें रखेंगे इसका मान, एपी का समान रूप क्या होता है, यहाँ पे लिखा होगा सब एक ही तरह की क्वेश्चन है, सिर्फ हम लोग को मान बैठाते चले जाना, तो चलिए ए का मान कितना है माइनस वन बटा दो, फिर ए का मान होगा माइनस वन बटा दो प्लस डी का मान हो जाएगा जीरो, और ए का मान हो जाएगा माइनस वन बटा दो प्लस टू इंटू हो जाएगा डी का मान जीरो, और ए का मान हो जाएगा माइनस वन बटा टू प्लस थ्री इंटू हो जाएगा डी का मान जीरो। अब देखिए माइनस वन बटा टू माइनस वन बटा टू माइनस वन बटा टू,
फिर हो जाएगा यहाँ माइनस वन बटा टू। देखिए क्या ये इसके बराबर है? जी हाँ इसके बराबर है, तो हम लोग क्या देंगे, ये एपी में है, एपी में है, और इसका सर्वांतर कितना हो जाएगा, डी बराबर जीरो। और इसके तीन पद और क्या हो जाएंगे, एपी के तीन पद और इसके बाद में क्या हो जाएंगे, तो इसमें कितना सर्वांतर है, डी जीरो, जीरो मतलब आगे जोड़ते जाएंगे तो वही हो जाएंगे माइनस वन बटा टू माइनस वन बटा टू माइनस वन बटा टू, इतना हो गया हमारा आंसर। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर का नाइन। चलिए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर का नाइन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रथम पद ए को निकालते हैं, तो प्रथम पद वन हो गया और डी सार्वंतर निकालते हैं, तो टी टू माइनस टी वन, टी टू हो गया थ्री और टी वन हो गया वन, तो डी बराबर कितना निकल कर आ गया, दो। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये हमको दिखाना है कि एपी में है या नहीं, इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं कि एपी का नियम को पालन करना होगा, एपी का समान रूप को पालन करना होगा। इसका रूप होता है ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, ऐसे चला जाता है और ए प्लस एन डी तक जाता है। तो हम लोग चलिए इस पे हम लोग मान को पुट करते हैं, ए बराबर कितना है वन, वन हो गया प्लस डी का मान कितना है दो, फिर हो जाएगा यहाँ ए का मान वन प्लस टू इंटू डी का मान हो जाएगा दो, और यहाँ ए का मान हो जाएगा वन प्लस थ्री इंटू डी का मान हो जाएगा दो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वन हो गया यहाँ, दो एक तीन हो गया। अब देखिए दो दो चार हुए कितना हो गया पांच, तीन दो छह हुए कितना हो गया सात। अब देखिए कि क्या ये इतना का बराबर है, नहीं है, तो हम लोग इससे कह देंगे कि ये एपी में नहीं है। क्या है, ये एपी में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा टेंथ, फोर का टेंथ। चलिए क्वेश्चन नंबर दस, फोर का टेंथ। तो ये भी क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ पे ए लगा दिया है, काम उसी उन्हीं सभी क्वेश्चनों की तरह होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस ऐसे क्वेश्चन को प्रथम पद निकाल लेते, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा ए, ए बराबर ए आ गया, और फिर सार बनता निकाल देते हैं, डी बराबर टी टू माइनस टी वन, तो टी टू हमारा कितना हो गया टू ए और टी वन कितना हो गया ए। अब बच गया क्या, मतलब दो ए में से एक ए चला गया, तो क्या बचा ए, ए बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे कि ये एपी में है या नहीं, तो एपी में होने के लिए एपी का एपी के रूल को पालन करना होगा, यानी कि एपी का समान रूप व्यापक रूप क्या होता है, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, मतलब इस नियम को पालन करना होगा तभी ये एपी में होगा। तो चलिए हम लोग फटाफट ए और डी का मान को पुट करके देख लेते हैं कि ये एपी में है या नहीं। तो फटाफट मान को पुट कर लीजिए, ए का मान ए हो जाएगा ए, डी का मान ए आ जाएगा, फिर हो जाएगा ए टू इंटू डी का मान ए हो गया, ए प्लस थ्री इंटू डी का मान ए हो गया। अब देखिए इसके आगे सोल्यूशन करेंगे तो ए आ गया, ए हो गया टू ए, अब फिर हो गया टू ए और एक थ्री ए हो जाएगा। अब देखिए तीन में से गुणा कर जाएगा थ्री ए और एक एक और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा फोर ए। अब देखिए कि क्या ये इसके बराबर है, एपी के सीरीज के बराबर है, तो जी हाँ इसके बराबर है, तो हम लोग कह देंगे कि ये एपी में है, ये एपी में है, और इसका सार्वंतर डी बराबर कितना निकल कर आ गया है ए। अब हमको क्या करना है कि इसके आगे तीन पद और निकालने, तो इसके आगे तीन पद और निकालने, तो हम लोग क्या करते हैं कि डी को सार्वंतर को इसमें जोड़ते जाते हैं, तो सार्वंतर को इसमें जोड़ते जाइए तो एपी के और तीन पद क्या हो जाएंगे चार ए है, तो एक ए और जुड़ जाएगा तो पांच ए हो जाएगा, फिर उसके बाद पांच ए में एक ए और जुड़ जाएगा तो सिक्स ए हो जाएगा, उसके बाद सेवन ए हो जाएगा, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर का इलेवन, कितना समझ में आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर का ट्वेल्थ, तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक स्टेप में सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिए रूट दो है, रूट एट को हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए रूट एट को हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा टू रूट टू, कैसे हो जाएगा, देखिए दो दूना चार और चार दूना आठ होगा ना, इसका क्या होता है, इसको जब हम लोग रूट में से बाहर करते हैं तो टू रूट टू हो जाता है। उसी प्रकार अठारह को करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री रूट कितना हो जाएगा टू, तीन तीन नौ और दूना अठारह, इसके बाद बत्तीस को करेंगे तो कितना हो जाएगा चार चौक सोलह और दूना बत्तीस, यानी कि फोर रूट दो। अब देखिए ये साफ नजर आ रहा है कि ये एपी में है, एक एक, एक बढ़ रहे हैं, एक रूट दो थे फिर दो रूट हो गए फिर थ्री रूट हो गए फिर फोर रूट दो हो गए, तो एक एक बढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको जांच भी कर लेते हैं हम लोग, ए बराबर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे तो ए बराबर कितना हो गया रूट दो, और फिर डी बराबर क्या हो गया, मतलब टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन यानी कि टी टू कितना है टू रूट दो माइनस रूट दो, मतलब दो रूट दो में से एक रूट दो चल गया तो कितना बच गया रूट दो बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं, तो चलिए फटाफट हम लोग को मान रख देना तब हम लोग चेक कर लेंगे।
चलिए रूट दो हो जाएगा ए का मान, रूट दो प्लस कितना आया है, फिर रूट दो, फिर ए का मान हो जाएगा रूट दो प्लस दो हो जाएगा और बी का मान हो जाएगा रूट दो, फिर हो जाएगा ए का मान रूट दो प्लस थ्री इंटू हो जाएगा रूट दो बी का मान। अब इसको क्या करेंगे कि सोल्यूशन कर देंगे, रूट दो हो गया और एक रूट दो और एक रूट दो, तो ये दो रूट दो हो गया, फिर हो गया ये दो रूट दो और ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दो रूट दो है और एक रूट दो है, मतलब कितना हो जाएगा थ्री रूट टू हो जाएगा। उसी प्रकार है थ्री रूट दो में एक रूट टू मतलब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा फोर रूट दो। अब देखिए कि क्या ये इतना के बराबर है, एपी का सीरीज के बराबर है, जी हाँ ये इतना इतना के बराबर है, तो हम लोग क्या देंगे ये एपी में है, ये एपी में है और इसका सार्वांतर डी बराबर कितना निकल कर आया है रूट दो। अब इसको हम लोगों को क्या करना है कि इसके तीन पद और लिखने हैं, तो तीन पद और लिखने हैं तो इसमें हम लोग रूट दो जोड़ते चले जाएंगे, सार्वांतर को जोड़ते चले जाएंगे तो एपी के तीन पद और क्या हो जाएंगे, देखिए चार रूट दो में एक रूट दो जुड़ेगा तो पांच रूट दो हो जाएगा, फिर एक रूट दो जुड़ेगा तो सिक्स रूट दो हो जाएगा, फिर एक रूट दो जुड़ेगा तो सेवन रूट दो हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसके बाद आता है हमारा थर्टी, चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर का चौदह में, तो इसको सबसे पहले हम एक स्टेप हल कर लेंगे, वन का स्क्वायर हो जाएगा वन, तीन का स्क्वायर हो जाएगा नौ, पांच का स्क्वायर हो जाएगा पच्चीस और सात का स्क्वायर हो जाएगा उनचास। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि प्रथम पद ए बराबर वन हो गया और डी बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आठ, कितना हो जाएगा नौ में से वन जाएगा तो आठ बचेगा। अब हम लोग इसको चेक कर लेंगे, तो ए बराबर हो गया वन और वन प्लस एट, फिर हो गया वन प्लस टू इंटू एट, फिर हो गया वन प्लस थ्री इंटू हो गया एट, तो वन हो गया और आठ एक नौ हो गया और आठ दोनों सोलह एक क्या हो गया सत्रह, फिर क्या हो गया आठ तरीक चौबीस और एक पच्चीस। देखिए अब देखिए कि क्या क्या ये इसके बराबर है, नहीं है, तो अब हम लोग क्या कर देंगे कि ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स ये एपी में नहीं है, हम लोग जांच लिए। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर पंद्रह, चार का पंद्रह, चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर का पंद्रह में, इसको पहले हम लोग एक स्टेप हल कर लेंगे, वन का स्क्वायर वन हो गया और पांच का स्क्वायर पच्चीस, सात का स्क्वायर उनचास और फिर तिहत्तर। अब इसमें हम लोग प्रथम पद ए निकाल लेंगे वन हो गया और डी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा चौबीस, पच्चीस में से वन गया तो चौबीस हो गया। अब हम लोग यहाँ पे मान को पुट करके चेक कर लेंगे कि ये एपी में है या नहीं, तो वन हो गया वन प्लस कितना हो गया चौबीस, फिर हो गया कितना वन प्लस टू इंटू कितना हो गया चौबीस, फिर हो गया वन प्लस थ्री इंटू कितना हो गया चौबीस। देखिए इसको और आगे हल करेंगे तो वन हो गया, देखिए चौबीस और एक पच्चीस हो गया, अब चौबीस दो अड़तालीस और एक कितना हो गया उनचास, अब देखिए चौबीस किया बहत्तर और एक कितना हो गया तिहत्तर। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका वन का स्क्वायर वन, पांच पच्चीस का कितना, पांच का स्क्वायर कितना होता है पच्चीस और सात का स्क्वायर कितना होता है उनचास और तिहत्तर को तिहत्तर ही रहने देंगे। अब देखिए क्या ये इसके बराबर है, तो इसके बराबर है तो हम लोग कह देंगे ये एपी में है, क्या बोलेंगे ये एपी में है, इसका सार्वांतर भी निकालने के लिए बोला था तो डी बराबर कितना निकला है चौबीस। अब इसके आगे तीन पद और लिखने हैं तो तीन पद चौबीस जोड़ते जाएंगे तो तिहत्तर में से चौबीस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अब तिहत्तर में चौबीस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्रथम तीन पद चार तीन सात और सात दो नौ संतानवे, अब इसमें हम लोग चौबीस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक सौ इक्कीस, फिर इसमें आप चौबीस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इतना आ जाएगा, एपी के तीन पद इतना आ जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, अगर जो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।